अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है और ठंड भी काफ़ी है, तो आज मैं बर्ड्स को अंदर ही खाना डालूंगा। मिट्टू को भी इसीलिए आज मैं ऊपर नहीं लेके आया, और जो रिंग नेक पेयर है उसको भी आज अंदर ही खाना डालेंगे। पिजन्स को भी आज खोलेंगे नहीं, अंदर ही खाना डालेंगे। फैंसी पिजन भी आया हुआ है, कॉलोनी को थोड़ा सा खोलते हैं खाना डाल के, फिर दोबारा से बंद कर देंगे, क्योंकि हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है ठंडी ठंडी, तो इससे बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। तो ये नेस्ट चिक नीचे गिराई हुई, ये मैं ऊपर रख देता हूँ दोबारा से, और एक दफ़ा मैं अंदर जाके देख लेता हूँ कि अंदर क्या सीन चल रहे हैं। तो सब बैठे हैं अपने अंडों वगैरह पे, इसके बच्चों का इंतज़ार है मुझे, और अभी तक नहीं निकाला। एक अंडा शायद इसने क्रैक किया है, तो उम्मीद है कि जल्दी बच्चे निकाल लेंगे ये। तो दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने इनका, कॉलोनी थोड़ी सी हम खोलेंगे नीचे नीचे से ही। ये इस तरह मैंने इधर तारे लगाए हुए हैं, तो जितना आपको खोलना होता है इतना ही खुल जाता है। बस हमने तीन इसके वो खोले, तो ये हटा रहा हूँ मैं अभी, बस ये इतना सा ही हटेगा जितना दरवाज़ा है। मैं इनका खाना ले आता हूँ, इनको डाल देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अंदर रिंग नेक और फिंच और डफ की तरफ। तो इनकी फीड ये वाली है, तो यहाँ से मैं कवर हटा देता हूँ, और ये देखें इन्वायरमेंट अंदर का काफ़ी गर्म है। इनको भी पता है कि इनका सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है, और ये काफ़ी शोर डाल रहे हैं। आ जाओ सारे, ये लो आ जाओ, तो इनको मैंने डाल दिया इनका खाना। तो कॉलोनी अब बंद कर देंगे दोबारा से, हम कवर कर देंगे। ये मैंने लॉक कर दी है, और ये नीचे कर दिया मैंने, तो एंड पे इसको लॉक कर देंगे बाद में। अभी मैं बाकियों को खाना डाल देता हूँ। मिट्ठू भी नीचे से शोर कर रहा है। तो ये फिंच डब और रिंगने का खाना मैंने उठा लिया, ये लेके चलते हैं अंदर। और सामने देखें, आज धुंध भी आपको साफ नज़र आ रही होगी, धूप हल्की हल्की निकल तो रही है, पर क्योंकि ठंड काफ़ी है, तो इस वजह से मैंने कहा आज अंदर ही खाना डालेंगे। तो अंदर मैं आ चुका हूँ, रिंगनेक को पहले डाल देते हैं। रिंगनेक को मैंने डाल दिया, अब बारी है हमारे डव्स, फिंच और डव के बेबीज की। तो सबसे पहले फिंच को डाल देता हूँ। तो फिंच को मैं डालने लगा, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, बार बार ने अंडे दिए हुए इसलिए डर जाते हैं। तो अब बारी है डव्स की। डव्स का तो खाना कल भी इतना था, परसों भी इतना था, पता नहीं इनको ये खाना अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि डाइट चेंज की थी इनकी मैंने, और जो बेबी डव्स हैं वो तो खुशी से खा लेती हैं ये, तो मुझे देखना पड़ेगा डव्स ये खाती भी हैं कि नहीं खाती। तो चलते हैं अब बाहर, पिजन्स की बारी है, वो रह गए सिर्फ। इसको भी मैंने कवर कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि इधर रिंग नेक और डव्स को खाना डल चुका है, और मैं दरवाजे को भी बंद कर दूंगा। फैंसी पिजन मेरे पीछे पीछे आ रहे, तो इसको भी खाना डाल देंगे बाहर ही, क्योंकि पिजन्स तो आज हमने नहीं खोलने। जल्दी चलो उधर पहुँच जाओ, मैं आपका खाना लेके आता हूँ। तो अब बार ये पिजन्स की, पिजन्स का खाना मैं लेके आता हूँ और इनको डाल देते हैं। इनका डब्बा खाली पड़ा हुआ है, खाना पहले फिल करना पड़ेगा मुझे इसमें। और खाना मैं ले आया हूँ पिजन्स का, पानी भी चेक कर लेते हैं, अगर थोड़ा हुआ तो डाल देंगे, पानी भी थोड़ा कम है, तो पहले मैं दाना डाल देता हूँ, फिर इनको मैं पानी डाल दूँगा। क्योंकि मैं ज़्यादा खाना इसलिए डाल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है शाम तक बारिश भी ना हो जाए, और दूसरा ये कि इन्हें बच्चों को फीड करवाना होता है। बाकी ये फैंसी पिजन, इसको मैं डाल देता हूँ, ये लो
खा लो तुम भी, ये लो। तो खाना मैंने इनको डाल दिया, मैं इनको पानी भी डाल देता हूँ, पानी भी इनका थोड़ा है। धूप तो वैसे काफ़ी निकल आई है काफ़ी हद तक, पर फिर भी इनको हम अंदर ही डालेंगे, क्योंकि उस दिन भी धूप निकल आई थी, मैं चला गया था इनको खोल के, तो मैं इस किसी काम से चला गया था, वापस आया तो देखा बादल थे और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो जिसकी वजह से शायद बेबी डॉग जो है इसीलिए बीमार है, या थोड़ा सा उसको कुछ है। खाना वगैरह तो वो सही खा रही है, पता नहीं फिर कोई मसला तो है उसको। और ये माशाल्लाह से हमारा घर का बेबी दे दोनों, तो इनका पेयर लग चुका है, काफ़ी पुराने थे तो अब जाके इनका पेयर लगा है, और इसको देख के गुस्सा हो गया, ये ऊपर आ गया कि तुम लोग नीचे क्यों नहीं आ रहे खाना खाने। भाई तुम्हें इनसे क्या लेना, तुम अपना खाना खाओ, वो खा लेंगे, दूसरे पेयर में जाके इंटरफेयर ना करो। तो पानी में इनको डाल देता हूँ, पानी भी डाल चुका है, खाना भी डाल दिया मैंने सबको। धूप तो थोड़ी थोड़ी निकल आई है अब, पर कोई भी रिस्क नहीं उठा सकते। फैंसी पिजन भी खुशी खुशी खा रहा है खाना। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग एंड करते हैं, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।